नहीं कराऊंगा मैं। तो टुडे वी विल सी व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ ग्रेटिंग। ग्रेटिंग का अभी आपने पूरा देखा कि ग्रेटिंग में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे होती हैं। नाउ हम अब देखने जा रहे हैं कि ग्रेटिंग के एप्लीकेशंस क्या क्या है। तो एप्लीकेशंस जब ग्रेटिंग के हम देखेंगे तो उसके लिए हमें एक एप्लीकेशन जो आप अपनी लैब में करते हैं, आप अपनी लैब में जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उस एक्सपेरिमेंट में आपने वो ग्रेटिंग का ही एप्लीकेशन है। तो उस ग्रेटिंग के जो एप्लीकेशन में हम देखेंगे कि किस तरीके से आप जो है किसी आपका कोई लाइट है उस लाइट की आप वेवलेंथ जो है निकाल सकते हैं। तो सी हियर स्कीमेटिकली डायग्राम बनाऊंगा मैं, ज्यादा उसको डिटेल में नहीं जाऊंगा। सिंपल आपका ये ग्रेटिंग रहता है, उसके कुछ उसमें अंदर जो है इस तरीके से बिल्कुल सेम विड्थ पर क्या है आपकी स्लिट्स जो है अरेंज रहती हैं। तो जहां असिमेट्रिक है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट सिमेट्रिक होती हैं। अब यहां से जब लाइट चलती है, when the light coming from this source, light passes through a collimator. एक collimator होता है जो light को क्या है एक direction में भेजता है। तो यहां पर मैं एक collimator यहां लगाऊंगा। और वहां से light क्या है आपके इस पर ये collimator होता है जो light को एक direction में confined करता है। This is called कोलिमेटर। नाउ अब देखिए वही काम होगा, लाइट व्हेन लाइट इज पासेस, लाइट पासेस थ्रू द ग्रेटिंग देन इट स्प्लिट्स इनटू डिफरेंट वेवलेंथ। बट एट सेंटर जैसा लाइट यहां से आ रही है वही लाइट आपको सेंटर पर बिल्कुल मिलती है। ये आपका क्या होगा, ये हो गई आपकी सेंट्रल, ये हो गया आपका सेंट्रल मैक्सिमा या प्रिंसिपल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा, प्रिंसिपल मैक्सिमा, जीरो ऑर्डर मैक्सिमा या सेंट्रल इमेज, ऑल आर सेम। अब इसके बाद क्या होता है, यहां से जब लाइट चलती है तो लाइट को मेजर इसमें अब स्प्लिट होगी लाइट। तो उससे पहले मैं क्या करूंगा, इसमें किस यहां से लाइट स्प्लिट होना शुरू होती है, ये वी वन, ये आर वन, ये V2, ये R2, ऐसे ही सेम हियर V1, R1, V2, R2। अब समझ गए होंगे V1, R1 क्या है, V2, R2 क्या है। ये आपके क्या है सेकेंडरी मैक्सिमाज है, ये फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा है, ये सेकेंड ऑर्डर, दोनों साइड मिलते हैं। अब इनको मेजर करने के लिए कि यहां पर एक स्केल लगा रहता है कुछ स्केल, इसको मैं अभी थोड़ा हटाऊंगा बाद में लिख दूंगा, यहाँ एक स्केल लगा रहता है कुछ सर्कुलर स्केल, इसको भी थोड़ा अंदर लिख देंगे, यहां थोड़ा स्केल बनाना है। दूसरा ये स्केल, दो स्केल होते हैं इसमें, एक इसमें आपका सर्कुलर स्केल होता है जो जीरो से 360 डिग्री बना रहता है। अब इसमें जो वैल्यूज रहती हैं, यहां इसको V1 लिख लो, R1, V2, R2, यहां भी इसको V1, R1, V2 एंड R2, इस तरीके से स्केल जो है बना रहता है। अब इस स्केल पे क्या है नंबरिंग होती है कुछ, मैं तो बस जस्ट ऐसे ही बना रहा हूं जस्ट नोटेशन के लिए, लेकिन एक सिमेट्रिक स्केल होता है जिसपे आप क्या है स्पेक्ट्रोमीटर का रोटेशन जो है मेजर करते हैं। अब ये मेजर कैसे होता है, एक आपका इसमें एक टेलीस्कोप लगा रहता है जो मूवेबल होता है, जिसको आप मूव करते हैं तो स्केल भी मूव होता है। तो लेट्स ये आप इसको लिख देते हैं सेंट्रल इमेज, सेंट्रल मैक्सिमम। ये जो एक टेलीस्कोप है ये मूवेबल होता है, इसको मैं टी से डोनेट कर रहा हूं, ये आपका इनको देखने का फ्रिंज आपने देखा उस पर आपने सेट किया, देन यू टेक द रीडिंग, आपका नोट हो जाता है। अब करते कैसे इस एक्सपेरिमेंट में, ये आपका सिंपल क्या है ग्रेटिंग है,
ये आपकी ग्रेटिंग है, ग्रेटिंग के साथ आपका जब लाइट, ये लाइट सोर्स है एस, लाइट इज कमिंग फ्रॉम द सोर्स एंड पासिस थ्रू दी कोलिमीटर विच कन्फाइंड द लाइट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, देन दिस लाइट फॉल्स ओवर द ग्रेटिंग एंड ग्रेटिंग स्प्लिट्स दिस लाइट इन टू डिफरेंट इन डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड दीज वेवलेंथ ऑफ लाइट आर फॉर्म्ड लाइक फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा एंड देयर रेंज वेरीज V1 टू R1, यानी V से R, वॉयलेट टू रेड इनकी जो है रेंज रहती है. एंड दीज प्रिंसिपल फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमाज आर फॉर्म्ड ईदर साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों साइड में ये जो है फॉर्म्ड होते हैं. सो दिस मूवेबल टेलीस्कोप ऑब्जर्व द पर्टिकुलर कलर और द पर्टिकुलर मैक्सिमा, देन द रीडिंग इज टेकन फ्रॉम दीज स्केल्स. देर आर टू स्केल्स हियर, वन इज वर्नियर स्केल एंड अदर इज आपका सिंपल मेन स्केल होगा. ये आपका इस तरीके से ये फॉर्मेशन रहता है. अब आपका जो फॉर्मूला रहता है, वॉट इज द फॉर्मूला बिहाइंड इट, ई प्लस डी प्रिंसिपल मैक्सिमा का साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस एन लैम्डा, ये आपका फॉर्मूला रहता है. मोस्टली जो ग्रेटिंग का साइज होता है 1 इंच का होता है, तो ये जो लिखा जाता है और इसमें नंबर ऑफ स्लिट मैंने मान लिया लेट से एन है, ठीक है, किस कितने में, ई प्लस डी को अगर मैं कैपिटल एन से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये किसके बराबर हो गई, 1 इंच के बराबर हो गई. यही तो हो गई भाई, स्पेसिंग और उसको एन से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 1 इंच के बराबर हो गई. नाउ 1 इंच किसके बराबर होता है, इट इज 2.54 सेंटीमीटर. मैं इसको इसलिए लिखना चाह रहा हूं कि जो आपका फॉर्मूला जो आप यूज करते हैं 2.54 अपॉन एन, वो कहां से आता है, आई एम जस्ट शोइंग दैट. अब यहां से ई प्लस डी की वैल्यू निकाल लीजिए, सो दिस ई प्लस डी विल बी 2.54 अपॉन कैपिटल एन, सेंटीमीटर में आ गया. नाउ पुट हियर, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दिस फॉर्मूला विल बी ये हट जाएगा 2.54 अपॉन कैपिटल एन साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा. ये फॉर्मूला आपका यूज होता है जब ग्रेटिंग का साइज कैसा होता है, आपका सिंपल सिंपल जो साइज होता है वो साइज आपका क्या होता है कि सिंपल 1 इंच का जब साइज होता है ग्रेटिंग का, तब ये इस तरीके का फॉर्मूला आपका लग जाता है. अब सिंपल क्या है, रेडिएशन जैसे ही ग्रेटिंग पर स्प्लिट होता है, सेंट्रल मैक्सिमा तो आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है, रेस्ट इंटेंसिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द मैक्सिमास एंड दीज मैक्सिमा कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम द मूवेबल टेलीस्कोप एंड देयर रीडिंग कैन बी नोटेड फ्रॉम द टू स्केल्स, वन इज मेन एंड अदर इज वर्नियर स्केल्स. किसमें मेजर होती है, थीटा में. सो ना, so the put the value of corresponding value of theta, suppose red ke corresponding in this expression, then you will get the relation of wavelength. This first maxima hai to n equals to 1, values put kar dijiye. Agar n equals to 2 to possible hi nahi hota because we have already seen. हमने ऑलरेडी देखा है कि आप सेकेंडरी मैक्सिमा आपका पॉसिबल नहीं होता, तो इस तरीके से ये आपकी रीडिंग जो है निकल आती है और यही आपको फिगर बना के बिल्कुल बताना है कि लाइट आती है, कोलिमीटर उसको कन्फाइंड करता है, ग्रेटिंग पर पड़ती है, ग्रेटिंग उसको स्प्लिट कर देती है, सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, बाकी की इंटेंसिटी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है अमंग ऑल दी सेकेंडरी मैक्सिमास एंड दीज सेकेंडरी मैक्सिमास आर ऑब्जर्व by using a telescope and their corresponding reading is note down from the two scales, one is vernier and other is main scale, and wavelength is calculated by putting the theta corresponding to each color, then we can get the corresponding wavelength. That's it. ये आपको करना है, थीटा की वैल्यू रखते जाइए करस्पॉन्डिंग जिस वेवलेंथ के, आपने येलो पे आपने वायलेट पे क्रॉस मार्क किया है तो वायलेट आप देख लीजिए, ब्लू पे किया ब्लू देख लीजिए, ग्रीन किया ग्रीन देख लीजिए, रेड किया रेड देख लीजिए, जो भी कलर आपको ऑब्जर्व होते हैं यू कैन नोट डाउन द थीटा करस्पॉन्डिंग टू दैट कलर
and get the value. ओके तो ये इस तरीके से आप कोई भी आपकी लाइट है उस लाइट का आप जो है वेवलेंथ जो है निकाल सकते हैं. जैसे सिंपल व्हाइट लाइट होती है, व्हाइट लाइट स्प्लिट हो जाती है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में, तो आप वायलेट रेड ग्रीन ब्लू जो भी है उसकी आप वेवलेंथ जो है निकाल सकते हैं जो भी आपके स्पेक्ट्रम में जो है दिखाई देती है. तो इस तरीके से ये ग्रीटिंग का एक एप्लीकेशन